हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आशा करते कि आप लोग हर कोई अच्छे है, खुश है, घर पे सही सलामत है। सो अभी है शाम का 5:30 एंड मैं शाम को ऊपर में तो वॉक कर रही थी, तो मुझे लगा मैं ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। आज है फ्राइडे, तो अगेन वीकेंड का एक दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड दिस इज वन सच डे। तो अभी सब लोग घर आने वाले हैं, इस टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी रिटर्न आती है, बड़ा भाई भी रिटर्न आता है ऑफिस से, एंड मेरा भी ऑफिस थोड़ा बहुत काम और बाकी होता है, और छोटा भाई भी अगर कहीं पे बाहर जाता है तो वो भी इस वक्त हमें घर आ जाता है। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ आवर फैमिली बॉन्डिंग एक्चुअली। तो आज क्योंकि फ्राइडे है तो मोस्टली हम इस फ्राइडे शाम को ना हम कुछ अच्छा ही खाते हैं, मैंने नोटिस किया है। मतलब अनकॉन्शियसली वी डू सेलिब्रेट दिस फ्राइडे ईव। तो आज भी कुछ वैसा ही है, बड़ा भाई कुछ लाने वाला है, जब वो लाएगा तभी बताऊंगी क्या है। उसके पहले मैं भी जाती हूँ नीचे, नानी अकेली टीवी देख रही है। मैं 15 मिनट के लिए ऊपर आई थी, मोस्टली मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ, मतलब वॉक करती हूँ या फिर प्रेयर करती हूँ, कुछ तो करती हूँ ऐसा, लेकिन आज ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट के लिए आई थी एंड हो गया। एंड वहाँ पे मेरे कोलू और फिफी बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलो जाते हैं नीचे, आप सभी को ओम साई राम एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग टुडे। कोलू बैठी हुई है एंड कोलू की मम्मा आ गई है, मम्मी आ गई है। मम्मी ने क्या लाया है, साग लाया है क्या? मम्मी कोला को बुला रही है, कोला ने नहीं देखा आज मम्मी को। अगर कोला मम्मी को देखती है ना, ओ देखो देखो कैसे करती, माँ अब डाको रे, आज के मार दिखे ताकत छे ना, बिकॉज यहाँ आज वो मम्मी के लिए नहीं देख रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने मुर्गी देख लिया। ए सेल्फिश कहीं का, मम्मी तुझे खाना देती है, चल नीचे चल, चल मम्मी से मिलना है, चल अच्छा चल आए। तो कोला का और एक ड्यूटी लगता है यहाँ पे, छोटा भाई उसको कहता है गार्ड ड्यूटी, तो हमारा गढ़ का गार्ड ड्यूटी देता है और वहाँ से वो मम्मी को देख रहा है और इसीलिए इतना खुश हो रहा है। देखो 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 देखो, ये उसका खुशी है। और नॉर्मल डेज में ना मैं कभी आपको दिखाऊंगी, वो मम्मी को देखी कितना ज़्यादा खुश होती है। आज तो उसने यहाँ पे मुर्गी देख लिया था इसलिए। मम्मी ने क्या लाया है देखो, मम्मी ने लाल भाजी लाया है, इसको लाल शाक कहते हैं बंगाली में, इंग्लिश में इसका नेम है रेड अमरंथ आई गेस। और धनिया पत्ती लाया है, ये धनी खाड़ी का जो चौक है ना वहीं पे बैठता है। साथ में यहाँ पे लाया है भिंडी जो कि मेरे लिए है, और ये है करेला जो कि मम्मी के लिए, मेरे लिए, नानी के लिए है, बिकॉज मम्मी को डायबिटीज़ है एंड उनको करेला खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से ना हम लोग क्या करते हैं, ये हर दिन का जो वेजिटेबल है उसका एक दिन पहले हम ये धनी खाड़ी मार्केट से ले लेते हैं, मतलब जंक्शन में जो है। सो हमारा शाम का नाश्ता भी आज है ग्रिलैक्स से, और मैंने यहाँ पे सैलड बना लिया था क्योंकि भाई ने ऑलरेडी बता दिया था कि कुछ लाने वाला है, तो मैंने थोड़ा सा टमाटर और प्याज और नींबू वाली और धनिया पत्ता वाला एक सैलड बना दिया। चलो देखते हैं उसने क्या क्या लाया है। टिश्यू पेपर, सम ग्रीन चटनी, इसमें है कुछ कबाब शायद। इसमें एक चीज़ है जो मैंने उसको पहले बोला था, मुझे माधुरी ने बोला था कि वो खा के देखना। चलो मैं निकाल के बताती हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। मारे तो क्या क्या लाया है बताती हूँ। ये है माधुरी का रिकमेंडेशन, कुछ चिकन फायर क्रैकर ऐसा ही नाम है, चिली मिली कबाब। ये है सैलेड जो मैंने बनाया है, और मेयो दिया है उन्होंने हरी चटनी, और ये है शायद गार्लिक मेयो, क्या तक लग रहा है यम्मी। तो ये वाला खा के बता दी, मम्मी बोली है तो आलू फ्राई है ऊपर, आलू फ्राई ने बार में कौन का करम खा बना। अरे मासे, ये भी चिकन का है, चिल्ली मिल्ली ड्रेस मिताली ने मुझे गिफ्ट किया है, आई एम लुकिंग सो प्रिटी इन दिस, थैंक यू सो मच डॉल, मिताली का निकनेम है डॉल, थैंक यू सो मच डॉल फॉर गिफ्टिंग मी दिस ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं अभी वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई क्लास ऑल्सो, ठीक है।
चल मैं थोड़ा सा अभी प्रिपरेशन कर लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए, वहीं पे वीडियो बनाऊंगी ये वाला जगह पे, देन आई विल मिलती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। कल मैं क्लास के बाद और मैंने व्लॉग ही नहीं किया, एंड कल बहुत अच्छा था, कल का क्लास बहुत अच्छा था। एंड आज है नेक्स्ट दिन, आज है सैटरडे। आज मैं अभी उठी हूँ, 10:10 बाकी है। सुबह ना माँ मम्मी आए हैं मेरे हार्डवे से, तो मैं मिल भी नहीं पाई बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, अभी जस्ट उठी हूँ। तो चलो दिन का शुरुआत करते हैं। दिन का शुरुआत होता है मेरा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से, तो मैं वो करूँगी, पहले थोड़ा मेडिटेशन करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट माई डे। ओके, तब तक मेरा फ़ोन चार्ज हो जाने दो। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता, ये सामने वाली भाभी ने दिया है डोसा एंड चटनी। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे सुबह सुबह मिला है, वन ऑफ माई फेवरेट है साउथ इंडियन फूड, आई यू ऑल नो। चलो खा लेते हैं। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी बाज़ार नहीं जा रही हूँ, मैं और कहीं पे जा रही हूँ, और ये जगह मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्या है, क्योंकि ये सरप्राइज़ है। अब सरप्राइज़ किस लिए है, अरे इसीलिए तो सरप्राइज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। सो आई नीड ऑल योर ब्लेसिंग, आप सबका ब्लेसिंग मुझे चाहिए, आप सबका प्यार मुझे चाहिए फॉर मी एंड माई फैमिली। तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, नॉट क्वाइट, आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दैट। एंड यस यस, मेरा भाई पीछे से बोल रहा है कि आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है, गेस करिए, जस्ट गेस करते रहिए, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए आपका गेस में। जो पक्का गेस करेगा ना, उसके लिए गिफ्ट भी होगा, मैं वो भी बता देती हूँ, जो करेक्ट गेस करेगा। हिंट आपको मैं दे देती हूँ, दिस इज फॉर माई फैमिली, मतलब ये जो सरप्राइज, ये जो मतलब खुशी है, ये हमारी फैमिली के लिए है। तो ये हिंट है, गेस जो पक्का करेगा उसके लिए गिफ्ट है मेरे तरफ से। ठीक है, तो चलो मैं अभी, मेरा चाय तो नहीं पीना हुआ, लेकिन जितना पीना हुआ उतना ही पी के मैं जा रही हूँ, मैं और छोटे भाई जा रहे हैं। हम ये सिप्पी घाट के आई केयर में टेंडर कोकोनट लेने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बोर्ड दिखा 20 रुपये करके है टेंडर कोकोनट। तो ये ऑफिस आज बंद है, सो हमें मिलानी। ओके जी, मैं भी रेडी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ भातुबस्ती। अच्छा, मैंने बोला कि आपको मैं किससे मिलने जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड है राखी, जो कि पॉलिटेक्निक से मेरी फ्रेंड है। पॉलिटेक्निक में वो मुझे जानती नहीं थी, लेकिन जब हम लोग बाद में फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मिले, देन वी बिकेम गुड फ्रेंड एंड नाउ वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड। तो हम दोनों, मतलब राखी पॉलिटेक्निक में थी, मैं भी पॉलिटेक्निक गई थी, एंड मैं उसे पॉलिटेक्निक से ही जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। तो बाकी का किस्सा बाद में कभी सुनाऊंगी आपको। अब चलो निकलते हैं, एंड आई वोर दिस ब्यूटीफुल ब्लू टॉप्स विथ दिस मेकअप। चलो अभी निकलते हैं, तो बाकी मैं आपको मिलने के बाद दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे। और ये प्लान हम लोग बनाए हैं आई गेस लास्ट 6 मंथ से, कि अंडमान में मिलना है, मिलना है, मिलना है, एंड आज जाके वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो चलो अभी जाते हैं, एंड यस आई एम लुकिंग गुड। तो मुझे बस नहीं मिल रही थी, मुझे जीप मिल गई एंड मैं उसी में निकल पड़ी। मुझे जाना था भातुबस्ती, एंड रास्ते पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था कि मुझे अप्रॉक्स 25-30 मिनट्स तक लग गए। और वैसे जीप में हार्डली 15 मिनट्स ही लगता है धनीकाड़ी से भातुबस्ती, लेकिन थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया उसके कारण, और आज थोड़ा सा ट्रैफिक भी था, लोग आज के दिन ही बाहर निकलते हैं ना इसलिए। लेकिन कोई ना, मैं पहुँच गई अभी भातुबस्ती, एंड चलो जाते हैं। पहुँच गई हूँ, मैंने राखी को भी देख लिया है, राखी मुझे नहीं देखा है। बताओ, तुम बताओ, तुम गेस्ट हो अंडर मैंने कभी चिकन ही करना है ना। हाँ, चिकन फिश कुछ तो करो।
क्या है। ये है चिकन, क्या नाम था, काली मिली, नहीं काली मिली कबाब राखी भी भूल गई, क्या नाम है, चिली मिली कबाब। ये है चिली मिली कबाब, ये मैंने कल ट्राई किया है, एक्चुअली अच्छा है। ये हमारा और एक स्टार्टर आया चिली चिकन, ये है रोटी, और ये है क्या था, रारा ना, चिकन रारा, यम्मी। हम बैठे थे यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ना हम जहाँ पे बैठे थे मतलब उस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे लग रहा था गर्मी बिकॉज एसी है यहाँ पे, तो अभी कोई भी नहीं है। हम कितने देर बैठे हम लोग यहाँ पे, तीन साढ़े तीन घंटे, 12 बजे, नहीं 12 बजे आए क्या हम, एक दो घंटे, 2.5 आवर्स हम लोग बैठे शायद ना। चलो अभी टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहा है, चलो जाते हैं। राखी को मैं बहुत पकड़ के बैठाई हूँ। कैसा लगा राखी? बहुत। हम लोग कितना बातें करेंगे, कितने सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताए, इफ़ यू नो यू नो। तो हमारा खाना पीना हो गया, नाउ वी विल गो बैक। मैं राखी को एक जगह पे कॉफ़ी पिलाने वाली, कॉफ़ी पी, अभी जाएंगे हम लोग स्विस बेकरी जहाँ पर मैं हमेशा कॉफ़ी पीती हूँ, तो चलो वहीं पर जाते हैं, वहाँ पर जाके बात करते हैं। अभी हो गया रिलैक्स का खाना, मैं आपको दिखाती हूँ अब लोग कहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं आपको एक्चुअली, आपकी हम पी रहे हैं कॉफ़ी, हम आए हैं सीसीडी, सीसीडी नहीं क्या नाम है, नेस्कैफे, मैं बार बार इसको सीसीडी बोल रही हूँ, सीसीडी, ये भातुबस्ती का सीसीडी है पता है तुमको। चलो पीते हैं, तू गरम पी सकते हो। चीयर्स। आते वक्त सुभाषिनी बस मिल गई थी एंड उसी में मैं बैठ गई, मैं जीप के लिए और इंतज़ार नहीं करी। एंड देन आते वक्त मम्मी ने कुछ कुछ बोल दिया था मुझे लाने, जैसे इनो, क्योंकि मम्मी कुछ बनाने वाली है, और नानी के लिए मैंने बिस्किट भी ले लिया एंड कुछ इसमें है जो कि मैं कल बनाऊँगी और कल ही आपको पता चलेगा। और मुझे बस स्टैंड पर छोटा भाई लेने के लिए आया था, देन घर चली आई मैं। मैं घर आ गई हूँ और मेरी प्यारी मम्मी यहाँ पे बना रही है, क्या बना रही हो मम्मा, मेरी प्यारी मम्मी। बोलने का अधिकार मुझे मम्मी ने नहीं दिया है, हालांकि ये इडली चेम्बर मैंने ही लाया है, फिर भी मुझे अधिकार नहीं मिला है। ये आपका कड़ी पत्ता, और ये ढोकला बनाना भी मेरे मम्मी को किसने सिखाया, किसने सिखाया, मेरा बेटी ने सीखा है, तुमको क्या। सो ये देखो, ये ढोकला मम्मी ने बनाया था जो कि मैं वीडियो लेना भूल गई। बज रहा है 8:10 और मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ काजू करी। मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं ये बनाऊँगी, ऑलरेडी मम्मी के बर्थडे पे मैंने पहली बार ट्राई किया था एंड इट टर्न आउट सो वेल, सो मैं आज दूसरी दफ़ा ये बना रही हूँ, अच्छा होगा, आज भी अच्छा होगा। अभी भी आज आए हैं एंड मैं कल कुछ नहीं बना पाऊंगी बिकॉज टुमारो आई विल बी बिजी, तो इसीलिए मैं भी आज काजू करी बना रही हूँ एंड तो ये रीज़न था आज मेरा कुकिंग का, मन भी था, माओ मम्मी भी आए थे एंड आज अच्छा दिन भी है। काजू करी बन गया है, मैंने लास्ट में वीडियो नहीं लिया बिकॉज थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था, आज बाहर गई थी एंड अभी आ गई हूँ मैं ऊपर। आपको मैं एक चीज़ दिखाती है, मेरे साईं बाबा जी हैं एंड साईं बाबा जी ने मुकुट पहना हुआ है, ये हमेशा मेरे साथ होते हैं, मैं कहीं पे भी जाती हूँ मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा से, साईं राम। और भी ऐसे कुछ कुछ साईं बाबा के इंसिडेंट हैं जो कि मैं आपको कभी तो शेयर करूँगी। हाँ, मुझे अभी ये वीडियो करके मतलब क्लास करके, मेरा क्लास है वैसे 10 बजे, और 10 बजे के बाद मैं वीडियो शूट करूँगी एंड देन मैं सो जाऊँगी, क्लास करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय। अभी मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, मतलब आपको तो ऐसा लगेगा ना अभी अभी। सो अभी मैं सोने जा रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 11:30, आज कोलू और फिफी यहीं पे है, उनको बांध के इसलिए रखना पड़ता है अदरवाइज ना बहुत उधम मचाते यार। मेरे नानी का 4 साड़ी उसने ख़राब कर दिया फिफी ने, मेरे भाई का 2 शर्ट एक्चुअली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वैसे तो कपड़े आ जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये ना अटैक करते दूसरे के एनिमल्स पे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल पसंद नहीं एनिमल्स को बांध के रखना, बट हेल्पलेस। हमने सब कुछ करके देखा, ट्रेन करने का कोशिश किया, ये करने का कोशिश किया,
बट नहीं होता है अभी अभी उसको एक लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, उसे वो पाउडर पाउडर कर रही है। और कोला को आजकल पता नहीं क्या हो गया, उसे अगर थोड़ी देर भी बाहर रखते रोना स्टार्ट कर देती है। और आज घर पे मामा मम्मी आए हैं तो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं उनको यहीं पे रखती हूँ ताकि रात को रोए ना, क्योंकि शी इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग। आई डोंट नो क्या हो गया है, कुछ नहीं होना, बस अच्छे से होना रहना। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं मेडिटेशन करके अभी सो जाऊँगी। मैं मिलती हूँ कल आपको, बिकॉज कल भी कुछ अच्छा होने वाला है। एंड यू विल सी इन माई टुमॉरोज़ व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कोलू फिफी सो रहे हैं, कोलू सो गई है, फिफी सोने का प्रयत्न कर रही है।